हेलो गाइस, मैं नीना का आपके लिए लाई हूँ जीरा का कोफ्ता की सब्जी। देखिए, सबसे पहले जीरा लेंगे, उसको कोट देंगे। अब कमती होगा, थोड़ा कमती लगेगा तो इसमें आलू ऐड भी कर सकते हैं आप। आलू कोट भी सकते हैं, इसमें कोट के डाल सकते हैं। देखिए, थोड़ा सा आलू डाल दीजिएगा कोट के। अब इसमें नमक लगा के पानी चुपोट देंगे। देखिए, पानी निकाल दिए हैं। ये करीब 6 जने के लिए सब्जी बनेगी, 6-7 जने के लिए। तो हिसाब से आप लेकिन मिर्ची अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। देखिए, मिर्ची, नमक स्वाद के अनुसार, अदरक अपने टेस्ट में हिसाब से डाल दीजिएगा। देखिए, सिक्का हुआ जीरा पाउडर डालिएगा, बेसन 2 गिन्ना, थोड़ा सा बैटरी। देखिए, इसको मैश कर दिए हैं, मिला दिए सब चीज़ को। देखिए, इसको अच्छे से मैश कर दिए हैं, सारा मसाला को लेकर अच्छे से मैश कर दिए हैं। देखिए, इसमें पानी बिल्कुल नहीं है। अब इस तेल चढ़ा देंगे गर्म करने के लिए। देखिए, थोड़ा गाढ़ा हो गया तो थोड़ा सा पानी मिला के इसको तेजी से करें। देखिए, छोटे जो बड़ा बड़ा पकौड़ा उतार देंगे, एक बार ऐसे आधा में उतारेंगे। देखिए, इस तरह गोल गोल बना के, देखिए इतना बड़ा बड़ा गोलना बना देंगे और तल लेंगे। देखिए, आधा उतार दिए, आधा कच्चा है। अब इसको नीचे उतार कर देंगे। देखिए, इसको चिपटा कर देंगे ताकि वो कच्चापन रहेगा ना, उसको थोड़ा पक्का बदल देंगे। तो कच्चा उतारेंगे तो मुँह में गोल गोल लगेगा, तो इसलिए इसको चिपटा करके और एक बार तलते हैं। देखिए, तला गया। अब इसको निकाल देंगे, ऐसे सभी पका कर पकौड़ा उतार देंगे। देखिए, 2 चम्मच तेल डाले हैं और उसमें जीरा डाले हैं, चीनी डालेंगे आधा चम्मच। देखिए, जीरा फूटने लग गया है। अब हींग डालेंगे, तेज़पत्ता, सूखी लाल मिर्ची, अदरक जरा सा, संगा पत्ता या मीठा पत्ता डाल के थोड़ा चला देंगे। देखिए, मिर्ची और टमाटर इसमें डाले थे, अब इसमें भी थोड़ा सा डाल देंगे चिकन में कलर लाने के लिए। अब इसमें 3 चम्मच गीला घी लेंगे, खट्टा देगा घी भी ना लेंगे। अब इसको चला देंगे, चलाते रहेंगे, फटेगा नहीं जैसे। और थोड़ा सा चुनटी भर से थोड़ा वैसे ये बेसन डालेंगे ताकि फटेगा नहीं दही। अब इसमें हल्दी डालेंगे, धनिया 1 चम्मच डालेंगे, 1.5 चम्मच नमक स्वाद के अनुसार। अब जब तक उफान नहीं आता है तब तक चलाते रहेंगे ताकि फटेगा नहीं। देखिए, इसमें कोफ्ता डाल देंगे, देखिए। अब गरम मसाला डालेंगे चुनटी पर। अब इसको चलाते रहेंगे जब तक वो फाड़ नहीं आ जाए, फिर थोड़ी देर बाद सकने पर कोफ्ता सब्जी रेडी। कस्तूरी मेथी डालेंगे थोड़ा बहुत। देखिए, कोफ्ता सब्जी रेडी हो गया है। कैसा लगा, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।